इस बावर्ची स्टाइल पालक गोश्त रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बनाकर मजा आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई द किचन। रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पालक को थोड़ा सा उबाल लेंगे, पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 गड्डी पालक। पालक को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसकी हम इसमें डंडिया यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो गलती नहीं है। और जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे ताकि पालक के पत्ते सभी तरफ से अच्छे से उबल जाएं। बस इसको हम 2 से 3 मिनट उबलते हुए पानी में डालेंगे। अगर आप इसको ज्यादा उबालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और फ्लेम को हम यहाँ पर हाई रखेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और पालक को छान कर मैं इसको ठंडे पानी से धो दूंगी। अगर आप पालक के ऊपर ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो इसका जो हरा कलर होता है वो काला पड़ जाता है। पालक को हम बिना पानी डाले पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसको थोड़ा दरदरा पीस सकते हैं और आप चाहे तो इसको फाइन पेस्ट बना सकते हैं। कुकर लिया है, इसमें हम डालेंगे 3 सर्विंग स्पून तेल। तेल को हम गर्म करेंगे। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची। इसमें साबुत मसालों का ज्यादा यूज नहीं होता, नहीं तो वो खाने में फिर अच्छे नहीं लगते, वो मुंह में आते हैं। इसको हम हल्का सा भून लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ और 10 से 12 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पालक गोश्त अगर आप बनाएं तो आप इसमें लहसुन जरूर डालिए जब आप प्याज फ्राई करें, क्योंकि इसमें जो एक फ्लेवर आता है वो बहुत अलग होता है। तो आप इस तरह भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। प्याज और लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे गोश्त। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो धुला हुआ गोश्त लिया है बड़े का। गोश्त को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गोश्त को फ्राई करते टाइम ही हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक इसमें हम ज्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पालक में काफी नमक होता है, तो नमक यहाँ पर बैलेंस करके डालेंगे। और लहसुन अदरक के साथ हम गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। गोश्त को अच्छे से तलने के बाद अब इसमें जाएंगे सूखे मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ले सकते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 छोटे चम्मच धनिया। इन मसालों को मिक्स करते हुए थोड़ा सा भूनेंगे और अब गोश्त को गलाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। इतना पानी इसे गलाने के लिए काफी रहेगा। अगर आप इसमें ज्यादा पानी यूज करेंगे तो फिर वो आपको बाद में सुखाना पड़ेगा। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे, हाई फ्लेम पर 1 विसिल और लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 विसिल लगाएंगे। या आप इसको तब तक विसिल लगा सकते हैं जब तक कि गोश्त अच्छे से गल ना जाए। तो गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुका है। अब गोश्त की भुनाई हम करेंगे कसूरी मेथी के साथ। तो इसमें 1 बड़ा चम्मच आप कसूरी मेथी ले लें, इसका जायका बहुत ही उम्दा आता है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और 1/2 छोटा चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। इसमें जाएंगी 3 हरी मिर्च जिसको मैंने ऐसे बीच से कट करके डाला है। मिर्च आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच दही। और दही को भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए गोश्त के साथ भून लेंगे। तो दही को भी मैंने अच्छे से 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब डालेंगे पालक वाला पेस्ट। पालक को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पालक को अच्छे से मिक्स करने के बाद जब हम पालक को डालकर भूनते हैं तो इसकी छींटे बाहर आ सकती हैं, तो इससे बचने के लिए मैं इसको कवर करके भून लूंगी। और फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि जो इसमें तेल है वो इसमें अच्छे से ऊपर आ जाए। पालक को अच्छे से भून लिया है, इसकी हमें अच्छे से भुनाई करनी है तभी इसका टेस्ट निकल कर आएगा। देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छे से भुन चुका है और जो तेल है वो इससे अलग हो चुका है, तो यही पहचान है कि पालक गोश्त तैयार हो चुका है। तो देखिए कितना जबरदस्त इसका कलर आया है। ये देखिए, गैस को ऑफ करेंगे और इस पे डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।